गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को 10% जो रेजिडेंशियल अलाउंसेस जो नवोदय में मिलते हैं, वो यहाँ भी उनको सभी को बता दिया गया, सोसाइटीज़ को और प्रिंसिपल को डायरेक्शंस दे दिए गए हैं कि 10% जो अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस, वो टीचर्स को दिया जाए। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, अब हम देखते हैं क्या कंडीशंस हैं, समझते हैं इस पूरी नोटिस को। जैसे इसमें लिखा है, सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ स्पेशल पे टू द EMRS एम्प्लॉइज़। EMRS इज़ रेजिडेंशियल को एजुकेशनल स्कूल वेयर ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टडी फ्राम क्लास 6 to 12। कंसिडरिंग द रेजिडेंशियल नेचर, एकोमोडेशन इज मेड अवेलेबल फॉर द स्टाफ इन EMRS। विद रिगार्ड टू प्रायोरिटाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन, डायरेक्शन विल बी इश्यूड शॉर्टली। इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ और दी गई है कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो क्वार्टर अलॉट होते हैं वो किस रूल से होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मिले हैं अभी, या जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं दिया गया, दूसरे को दे दिया गया, या ऐसा हुआ है कि एक ही रूम में कई सारे लोग रह रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है कि जल्द ही इसके लिए भी एक सर्कुलर जारी किया जाएगा। लिखा है इन रिकग्निशन विद रिगार्ड टू प्रायोरिटाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन, डायरेक्शन विल बी इश्यूड शॉर्टली। ठीक है, तो ये भी एक गाइडलाइन पूरी आ जाएगी नेस्ट की तरफ से कि किस तरीके से अलॉट किए जाएंगे। इस फिर आगे देखते हैं, स्टाफ हु आर स्टेइंग इन द कैंपस आर इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटी 24/7। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं सर ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं, तो ड्यूटी आवर्स रेजिडेंशियल के अलावा तो सिर्फ 8 घंटे होते हैं। जैसे अगर कोई रेजिडेंशियल स्कूल या कैंपस नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ 8 घंटे होते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल में 24/7 होता है। तो इसमें आपको जो भी काम दिया जा रहा है आप उसको करेंगे। ठीक है, तो कह रहे इन रिकग्निशन ऑफ द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन अप बाय द स्टाफ बियॉन्ड नॉर्मल ड्यूटी आवर्स, द क्रिएशन ऑफ पोस्ट हैज़ बीन सैक्शनड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद स्पेशल पे एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक पे फॉर ऑल रेगुलर स्टाफ ऑफ EMRS हु आर अपॉइंटेड विद अप्रूवल ऑफ NES। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी मतलब जो 24/7 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, तो उनको 10% बेसिक पे का स्पेशल अलाउंस मिलेगा। जैसे मान लो अगर कोई TGT है तो उसका इस समय बेसिक पे होगा 44,900, तो उसको 4,490 रुपये मिल जाएंगे। PGT जो होगा वो उसका 47,600 होता है, उसको 4,760 मिल जाएंगे। मतलब जितना आपका बेसिक पे होगा उसका 10% आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा इस बात का, क्योंकि आप 24/7 आवर्स अवेलेबल रहते हैं या प्रिंसिपल जो कहता है वो आपको करना होता है। ठीक है, अब इसका भी कुछ रूल है उसमें देख लेते हैं। जैसे और ये मिलेगा कब से, जब से आपकी ज्वाइनिंग है। इसमें कुछ इन्होंने दिया है कि दिस स्पेशल पे इज पेएबल टू द रेगुलर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अपॉइंटेड विद द अप्रूवल ऑफ NEST एंड हु आर स्टेइंग इन द कैंपस ऑफ EMRS। मतलब ये जो स्पेशल पे अलाउंस है ये उन सभी को मिलेगा जो कैंपस में रह रहे हैं, जिनकी पोस्टिंग NEST के थ्रू हुई है, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग, सभी को मिलेगा जिनको काम दिया जा रहा है, जिनको जो कैंपस में रह के वर्क कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, इन केस ऑफ द एकोमोडेशन इज़ नॉट मेड अवेलेबल इन कैंपस बेस्ड ऑन पर्सनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल, द स्पेशल पे वुड बी एडमिसेबल टू स्टाफ लिविंग आउटसाइड कैंपस टिल द टाइम एकोमोडेशन इज़ नॉट ऑफर्ड इन कैंपस प्रोवाइडेड दे कैरी आउट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर रेजिडेंशियल स्कूल। अब बहुत से लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, यानी जिनको एकोमोडेशन नहीं दिया गया है कैंपस में, तो ऐसे लोगों को भी मिलेगा, लेकिन तब अगर प्रिंसिपल लिख के दे, प्रिंसिपल अगर लिख के भेजेगा कि भाई ये लोग बाहर रह रहे हैं, इनको हमने नहीं दिया है यहाँ पर, या अवेलेबल नहीं है, कुछ भी करके वो भेजेंगे, लेकिन ये ड्यूटी अपनी पूरी करते हैं। जैसे कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि लोग बाहर रह रहे हैं फिर भी उनसे रात में ड्यूटी कराई जा रही है, फिर रात में वो घर जाते हैं। तो अब क्या, अगर आपको स्पेशल पे लेना है तो फिर आपको रात में जाना पड़े। जैसे बहुत से लोग थे सर कैसे जाएं, हम दूर रहते हैं, रास्ते में घना जंगल है,
और हम 11 बजे 10:30 बजे लाइट ऑफ करके प्रिंसिपल कहें आप जाएंगे तो कैसे जाएं? तो इसमें यही है, अगर आप नहीं जाओगे तो फिर प्रिंसिपल 10% का रिकमेंडेशन नहीं भेजेगा, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इन केस द एकोमोडेशन इज़ नॉट मेड अवेलेबल इन कैंपस बेस्ड ऑन पर्सनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल द स्पेशल पे वुड बी एडमिसेबल टू स्टाफ लिविंग आउटसाइड कैंपस टिल द टाइम एकोमोडेशन इज नॉट ऑफर्ड इन कैंपस प्रोवाइडेड, शर्त है दे कैरी आउट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर रेजिडेंशियल स्कूल्स। यानी आप रेजिडेंशियल स्कूल्स की सारी ड्यूटीज़ अगर पूरी करते हैं, भले ही आप बाहर रह रहे हैं, और प्रिंसिपल ये लिख के भेजेगा वहाँ से कि भाई यहाँ ये हमारा स्टाफ है, ये पूरी ड्यूटी करता है, तो इसको 10% दिया जाए, तो जो बाहर रह रहे हैं उनको भी मिलेगा। तीसरा पॉइंट ज़रा देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? इन केस इफ़ एकोमोडेशन इनडिपेंडेंट शेयर्ड हैज़ बीन ऑफर्ड इन कैंपस एंड द स्टाफ डज नॉट ऑक्यूपाई इट इमीडिएटली। मान लो किसी को कोई एकोमोडेशन अवेलेबल कराया गया है, चाहे वो आपका इंडिपेंडेंट हो या शेयरिंग में हो, मतलब चाहे आपको पर्सनल दिया जाए या शेयरिंग में अगर प्रिंसिपल ऑफर करता है। अब ये सबसे बड़ी समस्या है, जैसे इसमें अगर इंडिपेंडेंट है तो आदमी ले ही लेता है, लेकिन यहाँ पर है नहीं तो शेयरिंग में लोग रह रहे हैं, और शेयरिंग में क्या हो रहा है, लोग मना कर रहे हैं लेने से, क्योंकि फीमेल्स हैं तो उनकी कुछ प्राइवेसी होती है, तो परिवार के साथ रहेंगी तो कैसे रहेंगी, तो वो मना कर रही हैं। तो ऐसे लोग ध्यान से सुने इस पॉइंट को। तो अगर प्रिंसिपल प्रोवाइड करा रहा है, वो कह रहा है आप शेयरिंग में रहिए, और आप मना कर रही हैं या मना कर रहे हैं, मतलब लिखा है स्टाफ डज नॉट ऑक्यूपाई इट इमीडिएटली द स्पेशल पे वुड नॉट बी एडमिसेबल, तब आपको स्पेशल पे अलाउंस नहीं मिलेगा, और ऐसे केस में आपको HRA भी नहीं मिलेगा। जैसे ये तो खैर होता है, मतलब KVS वगैरह में भी होता है, लेकिन वहाँ पे खैर शेयरिंग के लिए वो प्रेशर नहीं बनाते और शेयरिंग में देते भी नहीं हैं। जैसे कई बार होता है क्या, क्वार्टर्स अच्छे नहीं, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, और प्रिंसिपल आपको ऑफ़र करता है कि अलॉट करता है कि आपको ये क्वार्टर अलॉट किया जाता है, और आप वहाँ नहीं रहते हैं कि भाई हम बाहर रहेंगे, तो बाहर रहने पर भी आपको HRA नहीं मिलता है, क्योंकि प्रिंसिपल आपको दे रहा था, आपने मना कर दिया। HRA तभी मिलेगा जब खाली नहीं होगा और प्रिंसिपल आपको दे नहीं रहा होगा, तब HRA मिलता है। तो HRA का तो खैर ये रूल है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला, ऐसे सारे लोग जो कैंपस में रह रहे हैं, 24/7 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं, कर रहे हैं सारे काम, उनको 10% स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। दूसरे, ऐसे लोग हैं जो क्या है कि अवेलेबल है ही नहीं कैंपस में उनके लिए रूम या क्वार्टर या कुछ भी, तो भाई उनको बाहर रहना पड़ रहा है, लेकिन बाहर रहते हुए भी वो ड्यूटी कर रहे हैं रेजिडेंशियल वाली, और प्रिंसिपल को अगर लगता है कि हाँ हमारा टीचर सपोर्ट कर रहा है, वो ड्यूटी कर रहा है रेजिडेंशियल वाली बाहर रहकर भी, और वो लिख के भेजेगा सर्टिफिकेट देगा, तो उसको भी मिलेगा। तीसरा वो है कि अगर प्रिंसिपल ने आपको चाहे इंडिपेंडेंट या शेयरिंग में क्वार्टर या एकोमोडेशन कोई भी रूम अलॉट किया है, वो कह रहा है आप रहिए यहाँ पे, लेकिन आप मना कर रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, तो ऐसे में ना आपको अलाउंस मिलेगा 10%, ना HRA मिलेगा। तो पढ़ लीजिए ये ध्यान से, 3 पॉइंट हैं इसमें, ना समझ में आए तो पूछ सकते। खैर अच्छी न्यूज़ है, 10% आपको मिल जाएगा। बाकी रूल्स आप सर्कुलेट कर दिए जाएंगे कि कैसे क्वार्टर अलॉट होंगे, तो वो भी आ जाएगा। बाकी सेफ्टी के लिए भी नोटिस आ चुकी, जैसे कई लोग पूछ रहे थे कि दूर से आते हैं तो स्टाफ की सेफ्टी की प्रिंसिपल कह रहे हैं कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उसको भी अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।